रूस और नेटो के बीच एक नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूरोप के देश और पुतिन के दोस्त सर्बिया की तरफ से दी जा रही चेतावनियों और जंग की तैयारी के बीच कोसोवो ने भी बाजुएं चढ़ा ली। कोसोवो ने सर्बिया के साथ अपनी सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, जिसके बाद सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार और भी ज्यादा गहरा गए। इस पर रूस ने अपने कड़वे बोलों से आग में घी डालने का काम कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कह दिया कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। कोसोवो पहले से ही कह रहा है कि सर्बिया तो बस मोहरा है, वो पुतिन हैं जो पर्दे के पीछे से चाल चल रहे हैं, सर्बिया को भड़का रहे हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर सर्बिया ने बॉर्डर पर बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। और वो उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों को उकसा रहा है। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, जो कि आज भी खुद को सर्बिया के नागरिक के तौर पर देखते हैं, जबकि कोसोवो खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है। लेकिन उत्तरी कोसोवो के सर्ब समुदाय के लोग कोसोवो का नियम कायदा नहीं मानते। 10 दिसंबर से उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग की हुई है। उनका गुस्सा सर्ब समुदाय के एक पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। आरोप है कि उस पूर्व पुलिसकर्मी ने पुलिस पर हमला किया था। अब कोसोवो में रहने वाले अपने सर्ब साथियों का समर्थन करने के लिए सर्बिया ने भी अपनी तरफ बैरिकेड खड़े कर दिए। इसी बात पर कोसोवो को इतना गुस्सा आया कि उसने सर्बिया के साथ अपनी मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग ही बंद कर दी, जिसके बाद सर्बिया और कोसोवो का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि सर्बिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले अमेरिका को भी यू टर्न लेना पड़ा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सर्बिया और कोसोवो से मान जाने की मिन्नतें करनी शुरू कर दी, ताकि सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग छिड़ने से किसी तरह रोकी जा सके। सर्बिया और कोसोवो की आग पर पानी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों भिड़ गए तो सर्बिया का साथ देने के लिए उसका जिगरी दोस्त रूस जंग के मैदान में उतर आएगा, उनका साथी चीन भी पीछे पीछे पहुंच जाएगा। अब अगर रूस और चीन एक साथ कोसोवो पर टूटे तो अमेरिका और नेटो को न चाहते हुए भी कोसोवो की तरफ से मोर्चा संभालना पड़ेगा। यानी यूरोप में यूक्रेन के अलावा एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सर्बिया और कोसोवो के बीच मध्यस्थता कराने में जुट गए, जिसका असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि सर्बिया के कहने पर उत्तरी कोसोवो में प्रदर्शन कर रहे सर्ब समुदाय के प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने को राजी हो गए। हालांकि शर्त यह है कि कोसोवो में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वहीं सर्ब समुदाय के जिस पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में यह सारा बवाल शुरू हुआ था, कोसोवो ने उसे हिरासत से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया। इस बीच उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी। उज्बेकिस्तान का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में वहां भारत में बने डॉक वन मैक्स कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई। फौरन यूपी ड्रग्स कंट्रोल और CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम ने दिल्ली के नजदीक नोएडा में मौजूद दवा बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक की जांच की और वहां से कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिए।